हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं politichop.com। तो जहां तक इंट्रोडक्शन की बात आती है तो इंट्रोडक्शन तो हो गई है। और आप लोग कैसे हैं? अच्छे से रहिए, क्योंकि मौसम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रकृति का कुछ कहर हम लोगों से बहुत ही हम लोगों को बहुत तंग कर रहा है प्रकृति का कहर। चलिए, ये तो खैर है ना, इन्वायरमेंट की बात है। थोड़ा सा पढ़ाई की दुनिया में बात करते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे इरीगेशन इंजीनियरिंग के बारे में कि आखिरकार ये इरीगेशन इंजीनियरिंग क्या होता है। तो इरीगेशन इंजीनियरिंग जो होगा उसके लिए जो प्रीवियस वीडियो गया था वो उसमें कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ यूनिट का इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे जो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है उसमें SVT का सिलेबस है, तो कुछ टर्म्स दिया गया है। और ये यूनिट नंबर 1 में कुछ ना कुछ टर्म्स दिया गया है। कहता है कि डिफाइन करो इरीगेशन क्या है, है ना, पाला। और दूसरा बात कहता है SVT कि इरीगेशन इंजीनियरिंग, ये दो टर्म है। कहता है कि इरीगेशन और इरीगेशन इंजीनियरिंग को डिफाइन करने के लिए, और आप ये जान लीजिए कि दो टर्म होंगी। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि इरीगेशन ये इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी इरीगेशन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग लगा हुआ है। और इस इंजीनियरिंग को कंसीडर भी ना करें तो तब जाके ये दोनों मैचिंग करेगा। और आपको ये बात बता दें कि कोई भी वर्ड जिसका सिमिलर मीनिंग होता है तो वो कुछ ना कुछ अपने विशेष मायने में डिफरेंस होते हैं, है ना। अगर कोई भी वर्ड ऐसे मान लीजिए, मैं लिखता हूँ, है ना, मैं लिखता हूँ गो, है ना, और कोई लिखता है वेंट, तो दोनों का मतलब तो जाना ही होता है। तो भाषा के साथ ये मजबूरी ये होती है कि कोई भी वर्ड जिसका मीनिंग सेम होता है ना, वो 100% सेम नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, 100% सेम नहीं होता है। अगर 100% सेम होता तो भाषा के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी एक मीनिंग के लिए दो वर्ड बनाए, ठीक है। तो इसीलिए आप अभी से इंजीनियरिंग लाइफ में कोई भी वर्ड यूज करो तो उसके पास उसका यूनिक नेम होगा, यूनिक मीनिंग होगा। इसीलिए हम यहाँ पर इस दोनों टर्म को अलग अलग समझेंगे कि आखिरकार ये इरीगेशन का जो टर्म है वो पर्सनल मीनिंग क्या रखता है, और सेकेंड ये जो टर्म है इरीगेशन इंजीनियरिंग वो क्या मीनिंग रखता है। तो पहले बात किसी करते हैं इरीगेशन की। तो स्टूडेंट्स, इरीगेशन होता है कि जितने भी वाटर रिसोर्सेज होते हैं, है ना, आप जानते हैं कि जो मेरा देश है वो कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज द, है ना, एग्रीकल्चरल कंट्री, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया। और इस एग्रीकल्चरल कंट्री में क्या होगा, बहुत सारी अच्छी तरीके की खेती की जाती है। तो इस खेती में वाटर के साथ कुछ ना कुछ हम लोग काम करते हैं, पानी का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन करते हैं, है ना। आप पूरे ही इरीगेशन इंजीनियरिंग में, इंटायर इरीगेशन इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ वाटर के बारे में जानेंगे और किसी चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे। आप ये नहीं जानेंगे कि हल चलाते कैसे हैं, ये नहीं जानेंगे, मतलब कि वाटर के साथ वाटर को कैसे हैंडल करना है, एक किसी भी क्रॉप्स का, किसी भी पौधे की एक अच्छे विकास के लिए वाटर को किस प्रकार से देना है, कितने समय पर देना है, कैसे देना है, क्या टेक्निक होना चाहिए वाटर को देने के लिए पौधे में, इन सारी चीज़ों का जो डील करता है वो होता है इरीगेशन। मतलब कि इरीगेशन क्या होता है, इरीगेशन एक प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग, अभी आप कुछ लिखिएगा ना, सिर्फ आप समझ लीजिए, है ना, हैंडलिंग वाटर किसके लिए, फॉर लिख सकते हैं, अभी आप लोगों के लिखने के लिए नहीं है, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ क्रॉप, मतलब कि पौधे की एक सुव्यवस्थित विकास के लिए जो हम वाटर को हैंडल करते हैं उसको बोलते हैं इरीगेशन। क्या बोलते हैं, इरीगेशन। तो इरीगेशन एक प्रोसेस हुआ। स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा आपको इरीगेशन। अब बात आती है इरीगेशन इंजीनियरिंग की, है ना, किसकी बात आती है स्टूडेंट्स, इरीगेशन इंजीनियरिंग की।
तो एरिगेशन सिंगल और टर्म यूज किया जाए तो एरिगेशन का मीनिंग तो हमने आपको ये समझाया कि द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग वाटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ये मैंने आपको समझाया। लेकिन इसमें टर्म लगा हुआ है इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग का पर्सनल मीनिंग होता है किसी न किसी चीज़ को क्रिएट करना, किसी न किसी चीज़ को कस्टमाइज करके स्टडी करना, है ना। कस्टमाइज करके स्टडी करने का मतलब ये है कि आप मान चलो अभी जैसे कि इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ोगे तो इंजीनियरिंग का मीनिंग ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में आप, है ना, प्रैक्टिकली नॉलेज लेकर उस चीज़ को क्रिएट करते हो। जितना भी डिजाइन्स होते हैं वो सारे के सारे इंजीनियर्स के हाथ में होते हैं, क्योंकि वो इंजीनियर्स करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये हैंडलिंग ऑफ वाटर का, जो है वाटर को कैसे हैंडल करना है, इससे संबंधित सारा कंस्ट्रक्शन, सारा डिज़ाइन, है ना, वो जब आ जाएगा, मतलब ये तो एक प्रोसेस है ना, इस ये तो एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को जेनरेट करने के लिए जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट का नाम होगा इरिगेशन इंजीनियरिंग, है ना। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होगा? इरिगेशन इंजीनियरिंग इरिगेशन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी, उसके प्लानिंग, है ना, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इन सब के बारे में डील करेगा। जैसे मान के चलो आपको इरिगेशन करने के लिए डैम बनाना है, डैम को छोड़ो, मान के चलो आपको इरिगेशन करने के लिए कनाल का निर्माण करवाना है, एक नले का निर्माण करवाना है। तो नले का निर्माण जो होगा वो किसी न किसी विशेष स्टैंडर्ड की मदद से होगा, और उस नले का जो डिज़ाइन किया जाएगा वो इंजीनियर्स के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो नले का निर्माण संबंधित डिजाइन चीज़ है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको वो ब्रांच से मिलेगी जिसका नाम होगा एरीगेशन इंजीनियरिंग। तो छात्रों, आपको ये दो टर्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार ये एरीगेशन क्या है और एरीगेशन इंजीनियरिंग क्या है। तो बात और मोटी मोटी तौर पर बात ये चली कि एरीगेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है, जबकि एरीगेशन इंजीनियरिंग वो चीज़ होता है जो कि इस प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधित, मेंटेनेंस संबंधित चीज़ों की जानकारी रखता है, ठीक है। अब इस दोनों चीज़ के बारे में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो पहले लगाएंगे एरीगेशन हेडिंग, आपको समझ में आया होगा हम ऐसा आशा करते हैं। पहले लगाएंगे हम लोग क्या? एरीगेशन हेडिंग, एरीगेशन लगाएंगे हेडिंग पहले हम लोग। तो हेडिंग लगाना है पहला, क्या है ना, स्टार मार्क्स लगा के एरीगेशन, एरीगेशन हेडिंग लगाना है। इसमें क्या लिखेंगे, है ना। तो एरिगेशन को डिफाइन करने के लिए कहा सकता है, क्या लिखेंगे? द टर्म एरिगेशन, इसको आप क्या कीजिए, कह दीजिए एरिगेशन मे बी डिफाइंड एज द डेवलप्ड नॉलेज ऑफ हैंडलिंग वाटर रिसोर्सेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, है ना। क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अगर इसमें थोड़ा और लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, हैज इंडिया इज एन एरिगेशन डिपेंडेंट कंट्री हैंस द स्टडी ऑफ
Harry Gishen is important. क्या हो गया स्टूडेंट्स? एरीगेशन एक प्रकार का डेवलप्ड नॉलेज होगा जो कि वाटर से वाटर को हैंडल करने से रिलेटेड होगा. ठीक है, तो आपने इसको ऐसा लिखा. सेकेंड वन इस तो समझ चुके हैं हम लोग. सेकेंड वन हेडिंग लगाएंगे क्या? सेकेंड वन हेडिंग लगाएंगे एरीगेशन इंजीनियरिंग, है ना? ये क्या हो जाएगा? The irrigation engineering, the irrigation engineering deals with the planning construction and maintenance of all the structures related to economic growth of crops, है ना? Which includes, लिख सकते हैं इसमें which includes, इसमें क्या क्या आएगा? Which includes planning and design of planning and design of water storage resources like क्या क्या हो जाएगा students? हम लोग डैम का निर्माण करते हैं, कनाल का निर्माण करते हैं, है ना? डाइवर्जन हेडवर्क्स का निर्माण करते हैं, इसको हेडवर्क्स लिखेंगे अभी, हेडवर्क्स, है ना? वियर्स का निर्माण करते हैं, और क्या क्या करते हैं? बैरेज का निर्माण करते हैं, है ना? एटसेट्रा. इसमें मतलब कि बैरेज एटसेट्रा इस सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं. तो इन सारी चीज़ों का जो सिस्टम होगा वो कौन डील करेगा? एरीगेशन इंजीनियरिंग. स्टूडेंट्स आप इसको क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लिख लीजिए. हम ऐसे ही पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स. क्या पढ़ाएंगे कि पहले आपको कंसेप्ट समझा देंगे, उसके बाद कंसेप्ट समझने के बाद इसको लिखने की चीज़ रह जाती है, लिख लेंगे हम. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो. हम 3 सेकेंड के लिए पीछे आ रहे हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, है ना? हाँ, ओके. तो अब हम लोग बात करेंगे कि एरीगेशन का फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये जो टर्म है वो क्लियर है, एरीगेशन क्या है और एरीगेशन इंजीनियरिंग क्या है. और हम लोग बात करेंगे कि एरीगेशन का फ़ायदा क्या होता है. स्टूडेंट्स एरीगेशन का फ़ायदा बहुत होता है. आप ज़रा दिमाग लगाकर बता सकते हो, जैसे कि मान चलो किसी गाँव में अच्छे से खेती होती है, कोई किसान अच्छे से खेती करता है, तो क्या होगा? पहला तो ये होगा कि उसको भुखमरी की स्थिति नहीं आएगी, है ना? उसके अलावा वो किसान अगर अच्छा से खेती करता है तो वो क्या करेगा, अपने अनाज को बेच पाएगा, जिसके कारण उसका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, किसान के घर का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. तो हम शायद ऐसा रहेगा तो बेटर रहेगा कि हम लोग सारे पॉइंट को नोट करते चले, है ना? तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और हम लोग हेडिंग लगाएंगे अभी. हम लोग अभी हेडिंग लगाएंगे एडवांटेज ऑफ एरीगेशन.
ऋण लगाएंगे, एडवांटेज ऑफ एरीगेशन, ठीक है, ये हेडिंग लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एडवांटेज ऑफ एरीगेशन में है ना, पहली बात क्या लिखेंगे हम, पहली बात लिखते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। पहली बात लिखेंगे है ना, फ्लड कंट्रोल। पहला चीज हमने ये लिखा कि क्या होता है, फ्लड कंट्रोल होता है। एरीगेशन का एक फायदा ये है, मतलब कि आप वाटर रिसोर्स को इजी वे में, मतलब कि एक डेवलप्ड एक फिक्स मैनर में इस्तेमाल करो तो क्या होगा, इससे फ्लड कंट्रोल हो जाता है। अब ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, इस बात की जानकारी हमारे पास होना चाहिए, समझते हैं इस चीज़ को, है ना। वैसे मान चलो क्या है कि ये कोई नदी है, कोई रिवर है, ठीक है, जिसमें वाटर फ्लो हो रही है। ये कोई रिवर है जिसमें क्या हो रही है, वाटर फ्लो हो रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि ये मेरा फील्ड है जिसको हमको क्या करना है, एरीगेट करना है। ये फील्ड है जिसको हमको एरीगेट करना है। नॉर्मल प्रैक्टिस ये है ना, ऐसा सिचुएशन हम दे रहे हैं कि नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि जहाँ जब हम इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तो क्या होता है कि इस रिवर में जब पानी आती है तो ये क्या करता है, पूरी खेती को नष्ट कर देता है ना। इस रिवर में पानी आती है तो ये पूरी जो है एग्रीकल्चर सिस्टम उसको नाश्तनाबूद कर देता है और ये खेती जो है बाढ़ से प्रभावित रहती है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि एरीगेशन बाढ़ को कैसे रोकता है, ठीक है। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा कि एरीगेशन एक प्रोसेस होता है जो कि वाटर रिसोर्स को हैंडल करता है ना, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन भी होता है, जैसे कि डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, बैरेज का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, हेडवर्क का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। हेडवर्क्स के बारे में मैंने पिछले जो लेक्चर था उसमें चर्चा किया था, लेकिन फिर भी मैं अभी करूँगा चर्चा हेडवर्क्स के बारे में, ठीक है, थोड़ा देर के बाद। तो अभी बात आती है जैसे कि ये रिवर है ना, ये क्या है, रिवर है, रिवर, और ये मेरा क्या है, फील्ड है। और इस फील्ड में इस रिवर का पानी, जनरल प्रैक्टिस ये होता है कि इस फील्ड में इस रिवर का पानी आने के कारण ये फील्ड बर्बाद हो जाता है। तो इसमें हुआ क्या, अब हम ऐसे ये इसमें एरीगेशन का जब कंसेप्ट लाएंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा कि इस फील्ड में पानी ज़्यादा नहीं आएगा, कंट्रोल मैनर में आएगा। तो एरीगेशन का कंसेप्ट यहाँ पर हम जब ही लाएंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रकार का हेडवर्क्स बना देंगे, है ना, एक प्रकार क्या बना देंगे, हेडवर्क्स बना देंगे, मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे जो कि इस पानी को इधर नहीं जाने देगा, या फिर जाने देगा तो उस पर मेरा कंट्रोल होगा। जैसे कि मान लो ये नदी जा रही थी, कंटिन्यूस उसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, और पहले से यहाँ पर नदी का कुछ जो लेवल था वो लो था, अब जो नदी का लेवल है अब लो था, जिसके कारण क्या हो रहा है, पानी इसमें चला जा रहा था फील्ड में। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, इस लो लेवल को या तो कम्प्लीटली भर देंगे, उसको डैम बनाना बोल दिए, बांध दिए, या क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग इस चूँकि खेती तो करनी है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें कनाल का निर्माण करवाना पड़ेगा, कनाल का निर्माण कर दिए, है ना, इस सबको मिटाओ, कनाल का निर्माण कर दिए, ठीक है, कनाल का निर्माण कर दिए। अब ये देखिए, अब कनाल में भी पानी मेरा कंट्रोल मैनर में रहे, इसके लिए क्या करते हैं, इस कनाल के पास यहाँ पर हम लोग स्लुइस गेट लगा देते हैं, कौन सा गेट, स्लुइस गेट लगा देते हैं, है ना। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हम अपनी मर्जी के अनुसार इस कनाल में पानी जाने देंगे, है ना, ये क्या है, कनाल है, CANAL, ये कनाल जो होगा इसमें पानी अपनी मर्जी के अनुसार जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, गेट लगा दिया है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा एरीगेशन भी हो रहा है और फ्लड भी नहीं आ रहा है। तो आपने इस प्रकार से देखा एरीगेशन क्या करता है, फ्लड को कंट्रोल में लाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एक एक पॉइंट को समझाने लगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, आप लोग इसका पूरा सिस्टम लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके समझा देंगे, है ना। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया फ्लड कंट्रोल के बारे में, अब हम लोग चर्चा करेंगे राइजिंग सोशल स्टैंडर्ड के बारे में। सोचो
कि अगर एरिगेशन के कारण हम लोगों के समाज में अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है अनाज का, तो क्या होगा कि लोग संपन्न होंगे, है ना, लोगों में संपन्नता ज़्यादा आएगी, लोग धनी बनेंगे, इससे क्या होगा सोशल स्टैंडर्ड मतलब कि समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, है ना। तो ये बात आ गई राइजिंग सोशल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद में है 3 रिवेन्यू जनरेशन। रिवेन्यू जनरेशन कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब एरीगेशन कर रहे होगे तो इसमें चांसेस ऑफ जो कीमत जो होती है चीज़ों की वो बढ़ जाती है। मतलब ये कहिए कि रिवेन्यू जनरेशन कहने का मतलब ये हुआ कि एक अच्छा सा उपचार हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना। तो वो हो गया रिवेन्यू जनरेशन। नेक्स्ट बात आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का मतलब ये हुआ कि मान चलिए कोई डैम है जिसके लिए हम जिसको हम एरीगेशन पर्पज़ के लिए बनाए हैं, तो डैम से हम लोग क्या करते हैं बिजली का भी उत्पादन करते हैं। तो डैम से जो बिजली का उत्पादन होता है इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, है ना। तो डैम से क्या हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो जाएगा जिसका यूज हम लोग क्या करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को लेने के लिए करेंगे। पाँचवा नंबर आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉप्स। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉप कहने का मतलब ये होता है कि आप एक प्रॉपर वे में आप जब आयरिगेशन कर रहे होंगे तो क्या होगा, मतलब कि पानी की पटाई वगैरह जो पानी के साथ हैंडलिंग सिस्टम अगर प्रॉपर वे में हो रहा होगा तो क्या होगा कि जितने भी अनावश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो आप धान की खेती करो, है ना, आप क्या करो पैडी की खेती करो, पैडी लगाओ, ठीक है, पैडी लगा दिया, अगर इसमें आप अच्छी तरीके से एरीगेशन नहीं करोगे तो क्या होगा मिक्स दूसरा चीज़ भी आ जाएगा इसमें। तो मतलब कि ये मिक्स क्रॉप आ गया, तो मिक्स क्रॉप को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरीगेशन, है ना। तो इसमें जो अब ये जो अगर मान लीजिए पानी की फसल है उसमें एनी टाइम पानी रहेगा तो क्या होगा ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, अनावश्यक चीज़ें नहीं आएंगी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो है एरीगेशन क्या करेगा मिक्स क्रॉप को एलिमिनेट करेगा, किसी न किसी प्रॉपर क्रॉप को जन्म देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इंक्रीज इन फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। इंक्रीज इन फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो एरीगेशन आप करोगे तो एरीगेशन करने के लिए क्या होता है डिफरेंट कह सकते हैं आपकी मान चलो समझने के लिए आपने क्या किया कि है ना, आपने क्या किया ये एक रिवर बनाया और ये रिवर है और आपका ये सिस्टम यहाँ है, ये यहाँ पर फील्ड है, क्या है फील्ड। आप इस रिवर से इस फील्ड में जब वाटर ले जाना चाहोगे तो क्या होगा इससे भी इसके बीच में क्या निकालना पड़ेगा कैनाल बनाना पड़ेगा। ये कैनाल क्या कर रहा है वाटर का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको यहाँ तक ले जा रहा है, मतलब कि वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको यहाँ तक ले जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कम्युनिकेशन सिस्टम को ये यहाँ तक ले जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब आप एरीगेशन की चीज़ों को बनाते हो तो क्या होता है उसके साथ साथ अगर यहाँ पर आपको एरीगेशन करना है तो यहाँ पर जाने के लिए आप सड़क का भी निर्माण करवाते हो, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इस एरिया को एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मेरा एरीगेशन सिस्टम होता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़ाता है, मतलब बढ़ाता है। कहने का मतलब ये हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ कि आपसी जो रिलेशनशिप है दो प्लेसेस का उसको मजबूत करता है एरीगेशन सिस्टम। नेक्स्ट बात आती है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। तो ये तो जाहिर है कि जब आप अच्छे से एरीगेशन करोगे तो क्या होगा कि अच्छी सी खेती आएगी, है ना, और उसका जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा। और नेक्स्ट आती है डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। तो डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज कहने का मतलब ये हुआ फिशरीज एक प्रकार का जो मत्स्य पालन होता है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में कहते हैं मछली पालन करना, तो फिशरी का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मान चलो आप डैम बनाओ, है ना, डैम बनाओ तो डैम में आप मछलियाँ डाल सकते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा तो डैम में आप मछली का पालन कर सकते हो, उससे क्या हो जाएगा फिशरी हो गया। तो अगर आप डैम बनाओगे तो उसके पीछे किसका पर्पस होगा एरीगेशन का पर्पस होगा। तो एरीगेशन के पर्पस के द्वारा बनाया गया डैम के कारण क्या होगा उसमें मत्स्य पालन हो पाएगा, मछली पालन हो पाएगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एरीगेशन कहीं न कहीं
मत्स्य पालन डेवलपमेंट में काम कर रही है, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज कर सकते हैं। इसके अलावा इरिगेशन का बहुत सारा बेनिफिट्स हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि आप इसका कितना पॉइंट बना सकते हो। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट आप बना लो, और हम लोग चर्चा करें क्या डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन के बारे में। तो डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन के बारे में चर्चा करें तो क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा पानी पटाने के कारण क्या क्या चीज़ें होती है वो सब चीज़ें देखेंगे, या फिर अगर पानी जब हम पटा रहे हैं तो कैसे किसी पौधे को नुकसान करता है, कैसे किसी पौधे को फायदा करता है, ये सब चीज़ों को भी देखना है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन, क्या पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन है ना। तो डिसएडवांटेज में ये रहा, आप इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो चीज़ें हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ समझने वाली कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं नहीं, है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं लिख लिख करके और आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें समझने के लिए बात किया जाए तो इरीगेशन में रिजल्ट इन कोल्डर एंड डैम्पर क्लाइमेट है ना, कॉजिंग डिजीजे लाइक डेंगू एंड मलेरिया एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स इरीगेशन जो होता है, अगर आप मान चलिए इरीगेशन करते जाइएगा तो क्या होगा कि मान चलो ये मेरा फील्ड है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फील्ड है, और इसके बगल में है ना, ये इसके बगल में घर है ना, इसके बगल में क्या है एरिया है जहाँ पर लोग निवास करते हैं, ठीक है, ये क्या है एरिया है ना, एक एक कौन सा एरिया है रेजिडेंशियल एरिया है, और ये क्या है मेरा, ये मेरा है फील्ड। स्टूडेंट्स हुआ क्या, आप अगर इस फील्ड में जब इरिगेशन करोगे तो क्या होगा, इरिगेशन होने के कारण यहाँ की जो जलवायु होगी क्लाइमेट होगी उसमें कुछ ना कुछ नमी आ जाएगी, डैम्पर हो जाएगा वो, मतलब कहने का मतलब वो होगा उसमें कुछ ना कुछ वाटर का पार्टिकल आ जाएगा, मतलब ये कि यहाँ में जो यहाँ जो हवाएं होंगी उसमें वाटर का सस्पेंशन ज़्यादा हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, कहते हैं कि इरिगेशन क्या करता है डैम्पर क्लाइमेट को बढ़ावा देता है। अब जब कोई क्लाइमेट डैम्पर हो जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें तरह तरह के वायरसेस, तरह तरह के जो भी चीज़ें होती है, जो भी इंसेक्ट्स होती हैं उसका विकास होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो बहुत सारे डिजीज़ को लेकर आ सकता है, लाइक कौन सा डिजीज़, डेंगू मलेरिया ये सब को लेके आ सकता है कौन सा, तो ये जो होगा डैम्पर क्लाइमेट के कारण आने वाला बीमारियाँ हो सकती है। दूसरा सिस्टम होगा अगर डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करें तो ओवर इरिगेशन में लीड टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या है, तो लॉगिंग वाटर लॉगिंग कहने का मतलब होता है पानी का जमाव होना, क्या होना पानी का जमाव होना। तो अब जब आप क्या कीजिएगा वाटर को ज़्यादा अब अपने खेत में पब्लिश कर दीजिएगा तो क्या होगा, वहाँ पानी का जमाव हो जाएगा जो कि बहुत दिनों तक हो सकता है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे कि मान के चलो अगर आप ये आपका फील्ड है ये फील्ड, और इस फील्ड में आप जैसे कोई खेती करते हो, मान चलो आप गेहूं की खेती कर दिए है ना, गेहूं की खेती कर दिए, तो क्या होगा इस गेहूं की खेती करने के बाद क्या होगा, आप इस गेहूं में क्या कीजिएगा पानी को डालिएगा। तो पानी को जब डालिएगा तो क्या होगा, पानी की जो डालने की मात्रा होती है वो फिक्स होनी चाहिए है ना। तो मान चलते हैं पानी की मात्रा 5 सेंटीमीटर देना है, आपने क्या कर दिया 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये तो ज़रूरी ही है कि जब 5 सेंटीमीटर की जगह पर आप 10 सेंटीमीटर पानी का सप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इस विशेष फील्ड में पानी का जमाव अधिक दिनों तक हो जाएगा, जिसके कारण इसमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेगा, इस पौधे में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा, और ये पौधा मर भी सकता है, डाई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ओवर एरिगेशन जो होगा वाटर लॉगिंग यानी कि जल जमाव के कारण बन सकता है, और फिर जल जमाव के कारण क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, और वहाँ से लाइफ में भी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस ह्यूमिडिटी। इरिगेशन करने के बाद क्या होता है कि हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि
कि जो एयर में वाटर का सस्पेंशन हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि एयर की ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है बढ़ गई है। तो इस प्रकार से ये डिसएडवांटेज का पार्ट रहा। आने वाले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखेंगे, इल इफेक्ट ऑफ एरीगेशन क्या है, उसके बाद हम लोग क्लासीफाई करेंगे एरीगेशन को, और इसके बाद मेरा फर्स्ट यूनिट जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि दो यूनिट, एक यूनिट का जो वीडियो आएगा अभी, दो लेक्चर इसमें और आएगा इस यूनिट में। पहला लेक्चर, सेकेंड लेक्चर जो आएगा वो इल इफेक्ट ऑफ एरीगेशन का आएगा, और जो थर्ड लेक्चर आएगा वो लंबा चौड़ा आएगा, लगभग डेढ़ घंटे का आएगा। ठीक, इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। अभी आप लोगों ने आज पढ़ा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एरीगेशन, उसके बाद दो टर्म एरीगेशन और एरीगेशन इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।